नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान राज्य की अनुप्रति योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, राजस्थान राज्य में अनुप्रति योजना BPL श्रेणी के परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, IIM, RAS, IIT, NIT, CPMT एवं राजकीय मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आदि में उत्तीर्ण होने पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और इस योजना के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा पास करके और करने पर जो है प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65,000 रुपये अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये और साक्षात्कार में यानी अंतिम चरण में सफल होने पर जो है 5,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है राज्य सरकार की ओर से। और इसके अतिरिक्त जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा पास करने पर जो है प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20,000 और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 5,000 की राशि अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है। और योजना के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों जैसे AIIM, NLU और IIM, IIIT, NIT, CPMT में प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश लेने के बाद जो है अभ्यर्थियों को यदि सफल हो जाते हैं और शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के बाद जो है उन्हें 40,000 से 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित एवं राजकीय मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज RPMT, RPIT की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर एवं संस्थान में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी को 10,000 रुपये की राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और योजना के तहत जो है राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है आवेदन के लिए। और BPL श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और BPL श्रेणी के परिवारों के अभ्यर्थियों के परिवार की सभी स्रोतों से सम्मिलित रूप से जो वार्षिक आय है 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो उसके बाद ही आवेदन किया जा सकेगा। और अभ्यर्थी राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले लिया गया हो तभी ये जो है प्रोत्साहन की राशि प्रदान की जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स के रूप में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और परिवार की आय का वार्षिक प्रमाण पत्र और सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को BPL प्रमाण के तौर पर BPL राशन कार्ड या BPL कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी ऑनलाइन। और प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा में प्रवेश लेने का अनुमति पत्र एवं परीक्षा परिणाम की जो है फोटोकॉपी लगानी होगी, अपलोड करनी होगी। और पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर संस्था का ID कार्ड एवं प्रथम सेमेस्टर के फीस की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी, उसके बाद ही जो है प्रोत्साहन की राशि प्राप्त होगी। और अभ्यर्थी के नाम से बैंक खाते का डिटेल भी जो है आवेदन फॉर्म में भरना होगा। और योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको गूगल वेब ब्राउजर पर SJMS न्यू राजस्थान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखकर सर्च पर क्लिक करना होगा। तो इस rajasthan.government.in इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू SSO और फिर इस पे जो है आपको लॉग रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा और आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद आवेदन पावती का जो रसीद संख्या होगा उसे सुरक्षित रख लेना होगा कि उसी संख्या के आधार पर जो है आवेदन की स्थिति जाँच कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। YouTube चैनल सीखे.com सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोग